अगस्त माह में हमारे YouTube चैनल सिटी चैनल को 44,845 मिनट वॉच किया लोगों ने, लगभग 747 घंटे एवं 15,830 व्यूज किया है। आप भी हमारे चैनल से जुड़कर गुना शहर की ताजा खबरों से अपडेट रह सकते हैं। पीजी कॉलेज में बीए प्रथम में प्रवेश की आज रही अंतिम तिथि। सुबह 7 बजे से ही पहुंचने लगे छात्र व कॉलेज में विद्यार्थियों का लगा रहा मेला। लंबे समय तक लाइन में लगने के बाद भी कुछ छात्र रह गए एडमिशन से वंचित। क्या नाम है आपका? हाँ बताएं, आप एडमिशन कराने आए तो कितने बजे लाइन में लगे आप? 8 बजे लगे। हाँ तो आपका एडमिशन हुआ नहीं? हुआ नहीं हुआ। तो क्या बोले अंदर प्रिंसिपल? सर बोले कैंडिडेट को बुला। फिर आपने कैंडिडेट बुलाया? सर वो जब बोल रहे थे परेशानी बताई। तो फिर आपने बुलाया उनको बाद में? बुलाया था बाद में। फिर बाद में क्या बोले? अब कुछ नहीं, मना कर दिया। तो आपका एडमिशन हुआ कि नहीं हुआ? बीती रात लगभग आधे दर्जन पारधी धाकड़ कॉलोनी में चोरी करने के उद्देश्य से पहुंचे। तब लगभग 3 बज रहे थे। पारधी बदमाशों ने एक मकान के ताले चटका कर 2 बाइक उड़ा डाली, जिसकी भनक अजब धाकड़ मकान मालिक को लग गई, जो खुद पुलिस विभाग में है। चोरों के पीछे शोर मचाते हुए पीछे भागना स्टार्ट कर दिया। मोहल्ले वासियों की सक्रियता से बदमाशों को मोहल्ले वासियों ने घेराबंदी कर दबोच लिया व पुलिस को बुलाकर पुलिस के हवाले कर दिया। ईदगाबाड़ी में लग रही श्री गणेश उत्सव की झांकियों में दिखाई जा रही हैं विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियां। काफी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं देखने को। गुना विधायक गोपीलाल जाटव ने नगरपालिका सीएमओ और अधिकारियों को कार्यालय में बुलाकर शहर की साफ सफाई को लेकर और कहा, टेकरी पर दूसरे राज्यों के लोग भी आते हैं, इसलिए टेकरी परिसर में भी विशेष तौर पर साफ सफाई पर ध्यान दिया जाए। जी बता दें, आपने बैठक बुलाई थी? बैठक सीएमओ साहब को इसलिए बुलाई थी, शहर की जो है ना, मतलब ना अब बरसात भी निकल गई है, साफ सफाई के मामले में, विकास के मामले में ये अब ठीक ठाक होती रहे। हम लोग भी जो है ना शहर में वार्डों में जा रहे हैं, जाएंगे। हमारी पार्टी का जो है ना कार्यक्रम चल रहे हैं और ये भी बात सामने आई कि जो मतलब टेकरी सरकार जो है ना वो सबकी सरकार है, ना कि एक आदमी की। वहाँ पे भी व्यवस्थित जो है ना बाहर के लोग आते जाते हैं, मतलब अन्य राज्यों के भी लोग आते हैं। हमारे राष्ट्रपति जी आए, राज्यपाल जी आए, तो टेकरी की भी सुचारू रूप से जो है व्यवस्था बनी रहे साफ सफाई की। भाई चिरौनी लाल जी वहाँ से जो है ना 40-45 साल से टेकरी में काम कर रहे हैं, सीएमओ और चिरौनी लाल जी के दोनों के बीच में जो बात है कि आप दोनों बैठ कर टेकरी की भी व्यवस्था बनाते रहें। पर्युषण पर्व के दौरान बीती रात स्थानीय त्रिमूर्ति कॉलोनी में स्थित श्री चंद्र प्रभु जनालय में संगीत के बीच हुआ मैना सुंदरी का मंचन। भोपाल से चलकर यूपी के श्री अयोध्या धाम जा रही यात्रा का बीती रात गुना शहर में पहुंची शहरवासियों द्वारा किया गया भव्य स्वागत। कोतवाली पुलिस की टीम ने 12 वर्ष पुराने एक मामले में फरार चल रहे स्थायी वारंटी पुरानी छावनी निवासी निशार खां पुत्र सलीम खां 43 वर्ष को गिरफ्तार कर न्यायालय में किया पेश। स्थानीय शास्त्री पार्क मंच पर श्री रामलीला के होने वाले आयोजन में आज सुबह विधि विधान के साथ पूजा अर्चना के साथ किया गया ध्वजारोहण। कुमराज में संत शिरोमणि श्री रविदास मंदिर पर किया जा रहा है श्री रविदास रामायण का पाठ। नगरपालिका कर्मचारी अमला कलेक्टर के निर्देश के बाद आवारा पशुओं को गौशाला पहुंचाने का देर रात तक कर रहा है प्रयास। जबलपुर जिले के मंत्री प्रियव्रत सिंह के साथ शहर के विकास को लेकर स्मार्ट सिटी कार्यालय में मीटिंग ली नगरीय विकास एवं आवास मंत्री जयवर्धन सिंह ने। चाचौड़ विधायक लक्ष्मण सिंह ने किए देव नारायण के दर्शन। गुना बीनागंज देव नारायण मंदिर ग्राम
घोड़ा पछाड़ में भगवान देव नारायण जी की आरती कर विधायक लक्ष्मण सिंह ने जनता की सुनी समस्याएं, बाकी ये निराकरण। मेंटेनेंस के चलते कल रहेगा विद्युत प्रभाव बाधित। 8 सितंबर को कुसमोदा फीडर अंतर्गत बलवंत नगर, विकास नगर, विद्याचल कॉलोनी, महावीरपुरा, बरबटपुरा, गुप्ता कॉलोनी, ख्यालवा, कुसमोदा इंडस्ट्रीज एरिया, बीजी रोड फीडर अंतर्गत पोरवाल कॉलोनी, पत्रकार कॉलोनी, ट्रांसपोर्टनर नगर, चिंताहरण, वीजी रोड व अन्य क्षेत्रों में कल 8 सितंबर को सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक विद्युत प्रवाह रहेगा बाधित। चंद्रयान 2 के विक्रम का पृथ्वी से संपर्क टूटने पे गुना में भी निराशा का माहौल। देर रात तक टीवी पर चंद्रयान कार्यक्रम देखते रहे लोग। क्षेत्रीय सांसद केपी सिंह का बयान, मध्य प्रदेश सरकार शीघ्र ही गिर सकती है।